स्वागत करती हूँ बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आपकी 10th इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर की जो बुक है, जिसका नाम है, आपको याद हो गया होगा, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 7, और आपके चैप्टर नंबर 7 का नाम है द नेकलेस, यानी हार, गले का हार जो होता है। इसके हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 आपसे डिस्कस किए थे, जिसके अंतर्गत मैंने बताया था कि एक मटिल्डा लोसेल नाम की जो लड़की रहती है, उसकी शादी जो होती है एक मिडिल क्लास फैमिली में होती है, उसका जो हस्बैंड रहता है एक पेटी क्लर्क यानी छोटा क्लर्क रहता है, उसकी इतनी आमदनी नहीं होती कि वो बहुत एरिस्टोक्रेटिक लाइफ, हाई फाई लाइफ जी सके, सिंपल लिविंग उनकी रहती है। लेकिन जो मटिल्डा रहती है, उसकी जो इच्छा रहती है वो क्या रहती है कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से एरिस्टोक्रेटिक लाइफ लिए, लाइफ जिए, और जैसे उसके सारे फ्रेंड्स वगैरह थे बहुत हाई फाई घर के, ऐसे ही वो फैशनेबल और एरिस्टोक्रेटिक लुक में रहे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, और एक बार उसके हस्बैंड को एक मिनिस्टर लेवल की एक पार्टी में जाना रहता है, तो मटिल्डा उससे बोलती है कि मुझे एक अच्छी सी ड्रेस, तो वो उसको हस्बैंड उसको एक अच्छी सी ड्रेस सिलवा के देता है। अब प्रॉब्लम आ जाती है कि ड्रेस के साथ कोई ज्वेल जो है वो सूट नहीं करता है, तो उसका हस्बैंड उसको सलाह देता है कि तुम किसी अपनी अच्छी एक फ्रेंड से एक अच्छा सा ज्वेलरी पीस ले लो, जिसको तुम पहन करके उस पार्टी में चल सको। तो मटिल्डा नो डाउट उसकी फ्रेंड जो मैडम फॉरेस्टियर रहती है उसकी मदद करती है, और वो जो नेक पीस रहता है उसको पहन करके वो कहाँ जाती है, पार्टी में जाती है। उस दिन उसकी बहुत तारीफ होती है, वो बहुत खुश रहती है, और लौटते समय उन लोगों को देर हो जाती है, वो कैब से लौटते हैं। अब इसके बाद आगे क्या होता है, ये इस स्टोरी का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, तो हम इसको ध्यान से समझेंगे। सो लेट अस स्टार्ट पार्ट 3। सबसे पहले रीड करेंगे बच्चों। लोजेल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्क्ड व्हाट इज द मैटर। शी टर्न्ड टुवर्ड्स हिम एक्साइटेडली। आई नो लॉन्गर हैव मैडम फॉरेस्टियर्स नेकलेस। ही अरोज इन डिसमे। व्हाट, हाउ इज दैट, इट इज नॉट पॉसिबल। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लॉक, इन द पॉकेट्स, एवरीवेयर, दे कुड नॉट फाइंड इट। ही आस्क्ड, यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस। अब यहाँ पर जब पार्टी से मैडम लोजेल लौटती हैं, तो वो अपने रैप को अलग करती हैं और अपने आप को आईने में, मिरर में जैसे देखती हैं, तो वो क्या हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, क्योंकि जो महंगा डायमंड का हार उन्होंने पहना रहता है नेकलेस, वो उनके गले में नहीं रहता। तो वो एकदम तेजी से चिल्लाती है, तो उसका हस्बैंड जो मिस्टर लोजेल रहते हैं, जो कि लगभग आधे कपड़े उतार चुके होते हैं पार्टी वाले और रेस्ट में जाने की पोजिशन में होते हैं, तुरंत आकर के पूछते हैं, व्हाट इज द मैटर, क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रही हो। शी टर्न टुवर्ड्स हिम एक्साइटेडली। वो बहुत तेजी से उनके से बोलने की कोशिश करती है, इतना डर जाती है, आई है, मेरे पास, मेरे पास, मेरे पास मैडम फॉरेस्टियर का नेकलेस नहीं है। ही अरोज इन डिसमे। तब वो बहुत बेचैनी, घबराहट के साथ उठता बोलता, अरे ऐसा कैसे हो गया, ये तो संभव ही नहीं है कि तुम्हारे पास मैडम फॉरेस्टियर का नेकलेस ना हो। और उसके बाद क्या करते हैं वो, जाहिर सी बात है कि यदि कोई कीमती चीज गुम जाती है तो हम उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो वो सभी जगह उसको चेक करते हैं, हर जगह देखते हैं घर की। वो कहाँ देखते हैं, मटिल्डा ने जो ड्रेस पहनी रहती है, तो उनके जो फोल्ड रहते हैं बड़े बड़े, उसमें देखते हैं। इसके बाद वो अपने कपड़ों, अपने क्लोजेट जो ले जाती है उसमें देखती है, पॉकेट्स के अंदर देखती है, एवरीवेयर, जो वो रैप ओढ़ के रखती है उसमें देखती है, हर जगह वो चेक करती है। लेकिन उसको जो मैडम फॉरेस्टियर का जो नेकलेस मटिल्डा ने पहना होता है वो नहीं मिलता है। तब उसका हस्बैंड से पूछता है कि क्या तुमको अच्छे से श्योर हो, तुम निश्चित हो कि तुमने ये नेकलेस मिनिस्टर हाउस में पहना हुआ था, ऐसा तो नहीं है कि ये जो नेकलेस है ये मिनिस्टर हाउस में ही गिर गया हो, ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम वहां ही गिरा के चली आई हो इस नेकलेस को। लेकिन फिर क्या कहती है मटिल्डा, यस आई फेल्ट इट एज वी कम आउट। हाँ, मैंने इसको महसूस किया था जब मैं इस पार्टी से मैं लौट रही थी, तब मेरे गले में मैंने महसूस किया था कि तब तक नेकलेस मेरे गले में था। बट इफ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हर्ड इट फॉल, इट मस्ट बी इन द कैब। तब उसका हस्बैंड बोलता है कि अच्छा, मतलब मिनिस्टर हाउस पार्टी के समय तुम्हारे पास नेकलेस था, हो सकता है कि तुम अगर इसको सड़क पर गिराती, तो अगर सड़क पर नेकलेस गिरता तो उसके गिरने की क्या आती, हमको आवाज़ सुनाई देती, क्योंकि उस समय सड़कें सूनी थी, कोई भीड़ भाड़ नहीं थी, कोई शोरगुल नहीं था, तो
तो पक्का यदि नेकलेस सड़क पर गिरा होता या किसी स्ट्रीट पर गिरा होता तो उसके गिरने की आवाज़ आती। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा नेकलेस सड़क पर भी नहीं गिरा। मुझे अच्छे से श्योरिटी सी लग रही है कि ये कहाँ गिरा होगा, कैब के अंदर गिरा होगा। यस इट इज पॉसिबल, डिड यू टेक द नंबर? मटिल्डा बोली हाँ ऐसा हो सकता है, पर क्या तुमने उस कैब का नंबर नोट किया था? नो एंड यू, डिड यू नोटिस व्हाट इट वॉज? उसका हस्बैंड बोलता नहीं मैंने तो नहीं किया था। क्या तुमने कैब का नंबर नोट किया था, क्या नंबर था? मटिल्डा बोलती नो। दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन। अब क्या था, वो एक दूसरे की तरफ बिल्कुल निराश, हताश और परेशान मुद्रा में एक दूसरे की तरफ देखते हैं। हियर द मीनिंग ऑफ कास्ट डाउन इज डिजेक्टेड। फाइनली लॉसेल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन। अब क्या होता है, जब घर में नेकलेस नहीं मिलता यहाँ वहाँ, तो जल्दी से जो मिस्टर लॉसेल रहते हैं वो फिर से कपड़े पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? आई एम गोइंग ही सेट ओवर द ट्रैक वेयर वी बेंट ऑन फूट टू सी इफ आई कैन फाइंड इट। ठीक है मैं जा रहा हूँ कहाँ पर, उस ट्रैक पर, उस रास्तों पर जा रहा है जब वहाँ पर हम चले थे, मैं देखता हूँ शायद वो नेकलेस मुझे वहाँ मिल जाए। एंड ही वेंट, और वो चला गया। She remained in her evening gown, not having the force to go to bed. और Matilda पार्टी से भी थकी थी और इस घटना ने से वो तो और ज़्यादा हताश और परेशान हो गई थी, तो वो जैसी इवनिंग गाउन पार्टी की पहनी थी उसी में ही वो बैठी रही और उसकी हिम्मत भी नहीं हो पा रही थी डर के मारे, चिंता के मारे कि वो बिस्तर पर जाकर सो जाए। Towards 7 o'clock her husband returned, he had found nothing. अब 7 बजे के लगभग, सुबह के 7 बजे उसका हस्बैंड वापस लौटा और उसको कुछ भी नहीं मिला। मतलब वो किस चीज़ की तलाश में गया था, नेकलेस की तलाश में, और वहाँ पर उसको नेकलेस नहीं मिला। नेक्स्ट देखते बच्चों, ही वेंट टू द पुलिस एंड टू द कैब ऑफिस एंड पुट एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर ऑफरिंग अ रिवॉर्ड। अब इसके बाद उसके पास क्या बचता है कि वो पुलिस में जाके कंप्लेंट दर्ज कराता है कि मेरा महंगा कीमती नेकलेस गुम चुका है, और वो कैब ऑफिस जहाँ से उसने कैब की थी उस ऑफिस में जाता है और वहाँ पर भी जा कर के क्या करता है, उसके बाद वो बड़े बड़े विज्ञापन देता है न्यूज़पेपर में और देता है कि जो कोई इस कीमती नेकलेस को लौटाएगा उसको क्या मिला जाएगा, रिवॉर्ड दिया जाएगा, उसको पुरस्कृत किया जाएगा। शी वेटेड ऑल डे इन अ स्टेट ऑफ बेवाइल्डरमेंट बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर। लॉसेल रिटर्न इन द इवनिंग, हिज फेस पेल, He had discovered nothing. अब क्या करती, वो लड़की मटिल्डा जो रहती है वो बिवाइल्डरमेंट में कन्फ्यूजन में, कहाँ गिरा होगा मेरा नेकलेस, किसको मिला होगा, कहाँ चला गया होगा, इस तरह से वगैरह वगैरह सोचते पूरा दिन वेट करती है क्योंकि ये इतना भयभीत हादसा उसके साथ हो जाता। अब जो मिस्टर लॉसेल रहते हैं वो इवनिंग में लौटते हैं, उनका चेहरा मुरझाया हुआ, पेल येलो हो जाता है क्योंकि उनको कुछ भी खोज प्राप्त नहीं होती, वो कुछ भी नहीं खोज कर पाते कि किस चीज़ के कारण उनका जो राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैप्स ऑफ द नेकलेस एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड दैट विल गिव अस टाइम। अब वो क्या बोलता है कि अब उनको पार्टी के बाद जो नेकलेस रहता है वो मैडम फॉरेस्टियर को रिटर्न करना रहता है, उनके पास रहा नहीं तो वो कैसे रिटर्न करेंगे। तो उसका हस्बैंड बोलता है कि तुम अपनी फ्रेंड को लेटर लिखो कि तुम्हारे हाथों से उस नेकलेस का जो कुंदा रहता है जिस पर वो फंसाया जाता है क्लैप्स, वो टूट गया है और उसको तुमने रिपेयरिंग के लिए दिया है, जैसे मिल जाएगा हम उसको दे देंगे। शी रोट एज ही डिक्टेटेड, उसने वैसे ही किया मटिल्डा ने जैसा कि उसके हस्बैंड ने कहा। एट द एंड ऑफ अ वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप एंड लॉसेल ओल्डर बाय 5 years डिक्लेयर्ड वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल। अब पूरे हफ्ते भर हो जाते हैं लेकिन वो कहीं भी नेकलेस नहीं ढूंढ पाते, तो वो क्या करते हैं, पूरे निराश हो जाते हैं और वो सारी होप जो इतनी आशा रहती है सब छूट जाती है उनसे कि अब हमको दोबारा कहीं वो नेकलेस मिलेगा। मिस्टर लॉसेल जो कि मटिल्डा से 5 ईयर बड़े रहते हैं, 5 साल बड़े रहते हैं, वो कहते हैं वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल, ये जो ज्वेल हमसे गुमी है इसके बदले में हमें मैडम फॉरेस्टियर को दूसरा कुछ देना पड़ेगा खरीद के। इन अ शॉप ऑफ द पैलेस रॉयल दे फाउंड अ चैपलेट ऑफ डायमंड्स which seemed to them exactly like the one they had lost. It was valued at 40,000 francs. They could get it for 36,000. अब क्या होता है कि अब ये बात तय होती है कि नेकलेस गुम गया है तो अब हम इसको सेम टू सेम खरीद करके मैडम फॉरेस्टियर को दे देंगे।
तो वो पैलेस रॉयल में जाते हैं, एक अच्छी महंगी सी ज्वेलरी शॉप में, जहाँ पर उनको डायमंड का एक चैपलेट पसंद आता, एक नेकलेस पसंद आता, जो बिल्कुल वैसे ही रहता है जैसा कि मटिल्डा ने घुमा दिया रहता है। और उसकी कॉस्ट क्या रहती है, उसकी वैल्यू क्या रहती है, उसकी वैल्यू रहती है 40,000 फ्रांस, यानी 40,000 फ्रांस उसकी कीमत रहती है। और अगर उस समय ऑफर चल रहा था कि यदि वो लेते हैं तो उनको कितने में पड़ेगा, 36,000, यानी 36,000 में ये उनको मिल जाएगा लेस करके। लर्सेल पजेस्ट 18,000 फ्रांस विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम। अब ये इतने सारा पैसा एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ी चीज़ रहती है कि वो इतने सारे पैसे वो कैसे कलेक्ट करे। तो जो लॉसेल रहता है उसके पास 18,000 फ्रांसिस रहते हैं जो उसके पापा ने उसके लिए छोड़े रहते हैं। तो 18,000 तो उसको अपने पापा जो उनके दे के गए रहते वो हो जाते हैं। ही बोरोड द रेस्ट, और बाकी के जो 18,000 रहते हैं उसके वो क्या करता है, उधार मांगता है। ही मेड रियूनियस प्रोमिसेस, टुक मनी फ्रॉम यूजर्स एंड द होल रेसेस ऑफ लैंडर्स, देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रांस। तो वो क्या करता है कि वो ऐसे उधार लेता है जिससे कि वो पूरा बर्बाद हो जाता है एक प्रकार से। इतनी बड़ी उधारी वो अपने सिर पर लेता है, सबसे वो पैसे लेता है, यूजर्स से लेता है, लेंडर्स मनी लेंडर्स से पैसे उधार मांगता है, और फिर सारे पैसे कलेक्ट करके 36,000 में वो नेकलेस जो है वो ले लेता है। व्हेन मैडम लॉसेल लुक टुक बैक द ज्वेल्स टू मैडम फॉरेस्टियर, द लेटर सेड टू हर इन अ फ्रेजेड टोन, You should have returned them to me sooner, for I might have needed them. अब जब तक लॉसेल जो रहती है मैडम लॉसेल मैडम फॉरेस्टियर को नेकलेस नहीं देती, तो मैडम फॉरेस्टियर भी क्या करती हैं, एक लेटर लिखती हैं। और कैसी टोन में लिखती हैं, फ्रेजिड टोन। फ्रेजिड टोन मतलब हार्श एंड कोल्ड, मतलब थोड़े स्ट्रिक्टली वे में लिखती हैं कि तुम्हें मेरा नेकलेस रिटर्न कर देना चाहिए क्योंकि मुझे भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। मतलब सीधे सीधे मैडम फॉरेस्टियर ने ये कह दिया कि आप मेरा नेकलेस रिटर्न कर दो। मैडम फॉरेस्टियर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मैडम लॉसेल फियर्ड शी वुड, व्हाट वुड शी थिंक इफ शी शुड परसीव द सब्स्टिट्यूशन, व्हाट शुड शी से, वुड शी टेक हर फॉर अ रॉबर। अब मैडम लॉसेल जो रहती हैं मैडम फॉरेस्टियर को वो नेकलेस जो खरीदा हुआ रहता है डायमंड का दे देती हैं, लेकिन मैडम फॉरेस्टियर क्या करती हैं, उस ज्वेल को ज्वेल बॉक्स को ओपन करके भी नहीं देखती हैं और वो रख लेती हैं, क्योंकि लॉसेल को ये डर रहता है कहीं ऐसा ना हो कि मैडम फॉरेस्टियर देख ले और कह दे कि तुमने तो हमको इसके हमारे नेकलेस के बदले में दूसरा नेकलेस दिया है, शायद वो कह सकती हैं कि मैंने उनके नेकलेस की चोरी भी की है, ऐसा मैडम लॉसेल को डर रहता। मैडम लॉसेल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी, शी डिड हर पार्ट हाउएवर कम्प्लीटली हीरोइकली, It was necessary to pay this frightful debt. She would pay it. They sent away the maid. They changed their lodgings. They rented some room in an attic. अब यहाँ क्या होता है? ये पूरा है अब मैडम लॉसेल के, मैडम मैटिल्डा लॉसेल के जीवन का टर्निंग पॉइंट। यहाँ तो उन्होंने इतनी ज़्यादा एरिस्टोक्रेटिक लाइफ की कल्पना की थी, अब मैडम लॉसेल को किस प्रकार की लाइफ जीना पड़ती, क्योंकि वो जान जाती हैं कि जीवन में आवश्यकता कितनी महत्वपूर्ण है, यानी जीवन के लिए सिर्फ आवश्यकता ही इम्पॉर्टेंट होती है, ना कि एरिस्टोक्रेटिक लाइफ। और उनको मालूम था कि अब हमको बहुत सावधानी से, बहुत पूर्णता के साथ, बहुत एक बहादुर हीरो के लिए, एक हीरो स्टाइल में अपनी जो लाइफ का पार्ट है वो हमें निभाना है। उनको ये भी मालूम रहता है कि हमको ये डरावना उधारी, जितना बड़ा कर्ज हमने लिया है, इसको भी चुकाना है। तो कहाँ से चुकाएंगी, तो क्या करती है कि वो जो उसके घर में मेड लगी रहती है उसको छुड़ा देती है ताकि मेड का पैसा बच जाए। वो जिस घर में रहते हैं, जिस अपार्टमेंट में, उसको चेंज कर देते हैं, किसी सस्ता वाला लेते, तो सस्ता कहाँ लेते हैं, एटिक में लेते हैं। एटिक मतलब जो बरामदे के बाहर जो एक छोटी सी जगह होती है ना, ऐसे एटिक वाली जगह पर जा कर के वो एक कमरे में सिंगल में रहने लगते ताकि उनका रेंट बचे। मतलब वो कोशिश करते हैं कि कितना इस खर्चे से में भी हम बहुत सारा खर्चा बचत कर दें जिससे कि हमको पैसे बच सकें। She learned the odious work of her kitchen. She washed the dishes, she washed the soiled linen, their clothes and disclothes which she hung on the line to dry. She took down the refuse to the street each morning and brought up the water, stopping at each landing to catch her breath. अब यहाँ पर
अब वो क्या सीखती है, ऑडियस, ऑडियस यानी उबाऊ, नीरस। अब वो किचन का उबाऊ और नीरस काम भी करने लगती है, जैसे कि वो बर्तन धोने लगती है, अपनी डिशेस धोती है, अपने कपड़े जो गंदे रहते हैं उनको धोती है, इसके बाद उन सबको लाइन से सुखाती है, और वो पैदल चल के जाती है और क्या लेके आती है, पानी लेके आती है, नीचे से पानी अपने घर पर लेकर के आती है, और हर स्टेप पे चढ़ करके क्या करती है, तेजी से ब्रीथ लेती है, क्योंकि मटिल्डा को इन सब कामों की आदत नहीं होती। एंड क्लोड लाइक अ वुमन ऑफ द पीपल शी वेंट टू द ग्रॉसर्स द बचर्स एंड द फ्रूटर्स विथ हर बास्केट एंड हर आर्म। अब इसके बाद जहाँ मटिल्डा बहुत शाही टाइप के कपड़े पहनना पसंद करती थी, तो वो वुमेन ऑफ द पीपल मतलब एक कॉमन वुमेन की तरह, एक साधारण महिला की तरह कपड़े पहनने लगती है। इसके बाद वो ग्रॉसर शॉप में ग्रॉसरी लेने भी जाती है, वो चिकन मटन लेने भी जाती है, वो फ्रूट लेने भी जाती है, तो उसके हाथ में एक बास्केट रहता है शॉपिंग करने के लिए, हैगलिंग थ्रू द लास्ट सो ऑफ हर मिसरेबल मनी। और ये सारी खरीदारी वो खुद करती है मटिल्डा, और सो यानी यहाँ फ्रांस की सबसे छोटी यूनिट है, जो पैसे की सबसे छोटी यूनिट होती है फ्रांस की, वो है सो। तो वो एक एक पैसे की बचत करती है, बार्गनिंग करती है, हैगलिंग मतलब बार्गनिंग करना, भाव ताव करती है हर चीज़ों का, और उसमें एक एक पैसा मुश्किल से बचाती रहती है, मतलब बिल्कुल एकदम इकोनॉमिकल वे में अपनी लाइफ स्पेंड करने लगती है। देन आफ्टर द हस्बैंड वर्क्ड इवनिंग्स पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर एंड नाइट He often did copying at 5 sous a page, and this life lasted for 10 years. At the end of the 10 years, they had restored all. अब क्या होता है कि उसका भी हस्बैंड भी रहता है, वो क्या करता है, एक तो नौकरी भी करता है, और शाम के समय वो जितने व्यापारी वर्ग रहता है उनके यहाँ जाता है, और उसके एक एक पेज का अकाउंट करने में उसको 5 sous मिलते हैं। इस प्रकार से करके वो 10 सालों तक मटिल्डा और उसका हस्बैंड इतना हार्ड वर्क करते हैं, इतना इकोनॉमिकल वे में रहते हैं कि वो क्या बचाते हैं, धीरे धीरे करके 10 साल में अपना सारा डेब्ट जो है, जो कर्ज है वो उतार देते हैं, और अब क्या होता है, सारा कर्ज उतार के वो फ्री हो जाते हैं। मैडम लॉसेल सीम्ड ओल्ड नाउ, शी हैड बिकम अ स्ट्रांग हार्ड वुमेन, द क्रूड वुमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड। अब इन 10 सालों में उनकी ज़िंदगी कैसे बदल जाती, जहाँ मैडम लूसेल एक बहुत शालीन व्यक्तित्व की रहती है, बहुत छुई मुई टाइप की उनकी कैटेगरी रहती है, लेकिन अब वो क्या हो जाती है, इन 10 सालों में ओल्ड हो जाती हैं, थोड़ी सी बूढ़ी दिखने लगती हैं, लेकिन वो क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती हैं, एक हार्ड वुमेन बन जाती हैं, और एक ऐसी वुमेन बन जाती है मिडिल से भी मिडलवेस्ट क्लास में रहने वाली महिलाओं के जैसे उनकी बात करने की आदत हो जाती है। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, और उनके बाल कहीं पार्लर सैलून तो जाती नहीं है, तो उनके बाल भी रहते हैं वो कैसे रहते हैं, बड़े अस्त व्यस्त टाइप के रहते हैं। हर स्कर्ट्स आवरी, उसकी स्कर्ट भी कहती रहती है गंदी मैली कुचैली टाइप की। हर हैंड्स रेड, काम कर करके उनके हाथ लाल हो जाते हैं। शी स्पोक इन अ लाउड टोन, और वो बहुत तेजी से बोलने की आदत हो जाती है, जैसे कि लोअर मिडिल क्लास में पाई जाती है। एंड वॉश द फ्लोर विथ लार्ज पेल्स ऑफ वाटर, और बड़ी बड़ी बकेट पानियों से भर भर के उसकी आदत फर्श साफ करने की पड़ जाती। बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वॉज एट द ऑफिस, शी वुड सीट हरसेल्फ बिफोर द विंडो एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ फॉर्मर टाइम्स, ऑफ दैट वॉल वेयर शी वॉज सो ब्यूटिफुल एंड सो फ्लैटर। लेकिन जैसे ही वो अपने कामों से फुर्सत होती थी, घर की खिड़की के पास जब उसका हस्बैंड बाहर रहता था, खाली समय वो ये सोचती थी कि मैं उस पार्टी में कितनी सुंदर लग रही थी, मैं कितनी अच्छी हुआ करती थी, मेरे पास कितना अच्छा समय रहता था, लेकिन एक छोटी सी गलती उनको कितना परेशान कर सकती। हाउ वुड इफ आई हैव बीन इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, हु नोज हाउ सिंगुलर इज लाइफ एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, हाउ स्मॉल अ थिंग विल रुइन और सेव वन। अब वो सोचती है कि अगर मैंने उस दिन पार्टी में नेकलेस या हार नहीं घुमाया होता तो आज हमारी ज़िंदगी कैसी होती, अब हमारे बारे में कौन जानता है, जीवन कितना केंद्रित और कितना सिंगल हो गया है, कितने चेंजेस हो जाते हैं जीवन में, एक छोटी सी चीज़, एक छोटी सी गलती रन और सेव, रन यानी या तो आपको विनाश की ओर ले जाती है या आपको बचाती है। तो बोलती कितनी गलतियों से हमने ये समय काटा है। One Sunday, as she was taking the walk in the Champs Alleys, so read herself to the cares of the week, she suddenly perceived a woman walking with a child. It was Madame Forestier, still young, still pretty, still attractive. Madame Lucille was affected.
Should she speak to her? Yes, certainly. And now that she had paid, she would tell her all. Why not? अब एक इवनिंग संडे इवनिंग को क्या होता है, एक संडे मैडम लोसेल जो रहती है वो चैम्स एलिसिस स्ट्रीट में वॉक करने के लिए जाती है पूरे दिन भर हफ्ते भर की थकान और चिंताओं से दूर रहने के लिए। तब वो एक महिला को वहाँ पे देखती हैं जो अपने एक बच्चे के साथ वॉक करने आती है। वो कौन थी? वो महिला थी मैडम फॉरेस्टियर, मतलब वो उसी मैडम फॉरेस्टियर को वहाँ पर वॉक करते हुए देखती है। वो देखती है मैडम फॉरेस्टियर अभी भी बहुत यंग, बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही हैं, बहुत आकर्षक दिखाई दे रही हैं, जबकि मटिल्डा काम कर करके कैसी हो गई थी, बहुत ओल्ड और बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली जैसी वुमेन दिखने लगी थी। मैडम लोसिल थोड़ा सा आश्चर्यचकित होती है, फिर सोचती है कि क्या मैं उससे बात करूं? फिर सोचती है हाँ मैं उससे बात करूंगी, क्योंकि मैंने उसके घुमे हुए नेकलेस का पेड किया है, इसलिए मैं उससे बात करूंगी, क्यों नहीं करूंगी। शी अप्रोच्ड हर, अब वो मैडम फॉरेस्टियर के पास जाती है। गुड मॉर्निंग जेनी, उससे बोलती है जेनी गुड मॉर्निंग। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर एंड वॉज एस्टोनिश्ड टू बी सो फैमिलियरली एड्रेस्ड बाय दिस कॉमन पर्सनेज। अब उसकी जो दोस्त रहती है मैडम फॉरेस्टियर उसको नहीं पहचान पाती है, वो थोड़ी आश्चर्यचकित रहती है क्योंकि ये आवाज़ तो उसको बड़ी जानी पहचानी सी लगती रहती है। शी स्टैमर्ड बट मैडम आई डू नॉट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन। तो मैडम फॉरेस्टियर बोलती है अरे नहीं, वो थोड़ा आश्चर्यचकित होकर बोलती नहीं नहीं मैं आपको नहीं पहचानती, आप कौन हो, आपको शायद कन्फ्यूज़न हो रहा है, मैं आपकी वो नहीं हूँ दोस्त। नो आई एम मटिल्डा लोसिल, मटिल्डा बोलती नहीं मैं मटिल्डा लोसिल हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, ओ माई पुअर मटिल्डा हाउ यू हैव चेंज्ड। तब मैडम फॉरेस्टियर मटिल्डा को देखती है तो कहती है मेरी बेचारी मटिल्डा तुम कैसी दिखने लगी हो, तुम कैसे इतना बदल चुकी हो, क्योंकि उसको तो याद रहता मटिल्डा बहुत खूबसूरत लड़की रहती है। यस आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सॉ यू एंड सम मिसरेबल वंस एंड दैट ऑल बिकॉज ऑफ यू। कहती हाँ मैंने बहुत बुरे दिन देखे हैं और मैंने बहुत बुरी तरीके से अपने दिन उन दिनों को जिया है, लेकिन ये सब तुम्हारी वजह से। मैडम फॉरेस्टियर को कहती है तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत हुई है। बिकॉज ऑफ मी हाउ इज दैट, मैडम फॉरेस्टियर कहती अरे मेरे जैसे मेरे कारण से कैसे हो गया। यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन्ड मी टू वेयर टू द मिनिस्टर्स बॉल। यस वेरी वेल वेल आई लॉस्ट इट, बोलती है तुम याद करो तुमने मुझे एक डायमंड नेकलेस दिया था जिसको मैंने मिनिस्टर बॉल पार्टी में पहना था। तो बोलती हाँ मुझे बहुत अच्छे से याद है लेकिन मैंने वो गुमा दिया था। हाउ इज दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी। तो मैडम फॉरेस्टियर बोलती अरे ऐसा कैसे हो गया, तुमने तो मुझे इसको रिटर्न कर दिया था। यहाँ देखो पिक में मटिल्डा कैसे दिख रही है और ये मैडम फॉरेस्टियर दिखाई दे रही है। इट रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट, मटिल्डा बोलती है मैंने तुम्हें रिटर्न किया था लेकिन बिल्कुल वैसा ही दिखने वाला नेकलेस दिया था। एंड इट हैज टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट, और मुझे उसकी कीमत पूरे 10 सालों तक चुकाना पड़ी, 10 साल तक हमने हार्ड वर्क किया। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग बट इट इज़ फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट। तो बोलती है तुम समझ सकती हो मैडम फॉरेस्टियर कि इतना पे करना डायमंड नेकलेस के लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि हम लोग के पास कुछ नहीं रहा, लेकिन चलो अब सब कुछ सही हो गया है और मैं अब सब चीज़ों से सहमत हूँ, मैं निश्चिंत हूँ कि मैंने तुम्हारा डायमंड नेकलेस वापस कर दिया था। मैडम फॉरेस्टियर स्टॉप्ड शॉर्ट, शी सेड यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। मैडम फॉरेस्टियर थोड़ा आश्चर्यचकित होकर बोलती है, कहती तुम कह रही हो कि तुमने मेरा डायमंड नेकलेस जो है मुझे रिप्लेस किया था, मुझे डायमंड नेकलेस रिप्लेस में दिया था। यस यू डिड नॉट परसीव इट देन दे वर जस्ट अलाइक, हाँ मैंने तुम्हें तुम्हारा डायमंड नेकलेस रिप्लेस किया था और बिल्कुल वैसा ही दिखता था, इसलिए तुम उसको समझ नहीं पाई। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग टर्निंग पॉइंट आ रहा। एंड शी स्माइल्ड विद प्राउड एंड सिंपल जॉय, मैडम फॉरेस्टियर वॉज टच्ड एंड टुक बोथ हर हैंड्स एंड शी रिप्लाइड ओ माय पुअर मटिल्डा माइन वर फॉल्स दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फैंस। अब बोलती है तब वो मटिल्डा को हंसी आ जाती है और बहुत हंसी और उसके साथ बोलती है मैडम फॉरेस्टियर उसको से पकड़ लेती है, उसके दोनों हाथों को पकड़ के बोलती है अरे मेरी प्यारी मटिल्डा मेरी बेचारी मटिल्डा वो डायमंड नेकलेस तो कैसा था, नकली था,
अब आप देखिए, आपको भी इस चीज़ बड़ा टर्निंग पॉइंट स्टोरी में आ रहा है कि मटिल्डा क्या समझ रही थी कि वो असली डायमंड नेकलेस है और एक्चुअल में वो क्या था, नकली डायमंड नेकलेस था। तो मैडम फॉरेस्टर बोलती है, ओ मेरी बेचारी मटिल्डा, वो डायमंड नेकलेस तो नकली था और उसकी जो कीमत थी सिर्फ 500 फ्रांस थी। तो अब आप सोचिए कि ये मटिल्डा के साथ कितना बड़ा कैसा हो गया, कंफ्यूजन क्रिएट हुआ उस लड़की के साथ में, और उसने उसके लिए पूरे 10 सालों तक कितनी बड़ी कीमत चुकाई। तो 500 फ्रांस का जो नेकलेस था नकली डायमंड का, उसके बदले मटिल्डा ने उसको 36,000 फ्रांस का असली डायमंड नेकलेस दे दिया। तो यहाँ पर ये स्टोरी हमको ये समझाती है कि हमको जो है हमारे पास उसमें ही बहुत खुश, बहुत व्यवस्थित और बहुत अच्छे से एंजॉय करना चाहिए, ना कि हमें दूसरों की होड़ को देख करके उनकी बराबरी करने के लिए बिना सोचे समझे प्रयास करना चाहिए। आप आगे बढ़ें, लेकिन बिना सोचे समझे जो प्रयास होते हैं उनका हाल किसके जैसे होता है, जस्ट लाइक मटिल्डा। तो ये बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है बच्चे, इसको बहुत अच्छे से समझें। नेक्स्ट वीडियो में हम